शेर अकेला चलता है। और ऐसे ही दूसरी धारणाएं अगर आपने भी बना रखी है तो इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर पार्टी विशेष के भक्त है तो यही छोड़ दे, क्योंकि अक्सर जानकारी और धारणा के बीच पत्थर और कांच का रिश्ता होता है। ये गठबंधन का युग है, यहाँ कोई भी शेर अकेला नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। विपक्षी दलों की एकता की मुहिम के बीच एक खबर आ रही है कि बीजेपी ने 18 जुलाई को बुलाई एनडीए दलों की बैठक बुलाई है। कहने को तो संसद सत्र के लिए है, लेकिन सच ये है कि बीजेपी ने भी अपने गठबंधन एनडीए को फिर से मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए नजर पुराने सहयोगियों पर है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी निश्चित तौर पर अपने गठबंधन का विस्तार करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कुमार स्वामी, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी आदि विपक्षी दलों के नेताओं को दिखाया जा रहा है। इस तस्वीर में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि एक अकेले नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हुआ पड़ा है, इसलिए नरेंद्र मोदी शेर है और बाकी सभी विपक्षी दल गीदड़ है। वैसे नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के दबंग नेता है, उनकी यही छवि बीजेपी ने ही बनाई है और इस पर नरेंद्र मोदी को भी कभी एतराज नहीं रहा। 2013 में बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी को भारत का शेर बताया था। मीडिया के एक हिस्से ने भी नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो शेर की तरह दहाड़ लगाता है। बीजेपी के नेता भी अक्सर मोदी को शेर बताते रहते हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार के मंत्री अनिल विज के मुताबिक शेर अकेला चलता है और सैकड़ों कुत्ते भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नवनीत राणा ने कहा, नया चलन है कि कोई बिहार से झुंड बनाने आ रहा है, कोई दिल्ली से तो कोई कोलकाता से झुंड बनाने आ रहा है। मेरा कहना है कि शेर हमेशा अकेला चलता है और वह मोदी जी है। झुंड बनाने वाले तो सिर्फ लड़ते रह जाएंगे और 2024 में भी शेर ही लोगों के आशीर्वाद से जीत जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या मोदी सचमुच अकेले चलते हैं? और शेर अकेला चलता है तो ये गठबंधन किससे टूट रहे हैं? गठबंधन भारतीय राजनीति का यथार्थ है, यहाँ कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। भाजपा भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार भी गठबंधन के साथ ही बनी थी और आज जो चल रही है वो भी गठबंधन की ही सरकार है। ऐसा पहली बार नहीं है नेशनल लेवल पर किसी दल के खिलाफ एक गठबंधन बनाने के प्रयास हो रहा है। 1980 के दशक से लेकर अब तक कई राज्यों के दलों ने नेशनल लेवल पर मजबूत पार्टी का मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया है। खुद एनडीए भी उनमें से एक रहा है। एनडीए राजनीतिक पार्टियों का एक गठबंधन है। इसका पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। एनडीए का गठन 1998 में हुआ था, इसे लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाया था। तब 16 दल एनडीए के साथ थे। एनडीए के दम पर ही अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी। एनडीए अब तक साथ में मिलकर 6 लोकसभा चुनाव लड़ चुका है। भाजपा को गठबंधन की राजनीति का पहला बड़ा फायदा 1998 में एनडीए के गठन के बाद मिला। इसी वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में दूसरी बार सरकार बनाई। इसी वर्ष टीएमसी, अन्ना द्रमुक, शिवसेना और बीजेडी के साथ आने से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का विकास हुआ। चुनावों में भाजपा को 142 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए ने सामूहिक रूप से 261 सीटें जीती। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में एनडीए सेकंड सरकार का नेतृत्व किया। वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने। उनका कार्यकाल पूरा होता उससे पहले 2002 में भाजपा शासित गुजरात में सांप्रदायिक दंगा हो गया। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दंगे से एनडीए को नुकसान हुआ। तब लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के लोकसभा में 4 सांसद थे, उसने दंगों के तुरंत बाद एनडीए छोड़ दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीएमके भी गठबंधन से बाहर हो गए। वाजपेयी ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया।
इंडिया साइनिंग का नारा दिया, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के दाव को कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने विफल कर दिया। इस झटके के बावजूद एनडीए की राजनीतिक यात्रा जारी रही, लेकिन गठबंधन को केंद्र की सत्ता पाने में 10 साल लग गए। लेकिन इस बार मोदी की विशाल उपस्थिति में भाजपा 2014 में अकेले 282 सीटें जीतने के बाद भाजपा अब एनडीए की निर्विवाद नेता थी। उसे सहयोगी दलों को खोने का डर नहीं था। इस झटके के बावजूद एनडीए की राजनीतिक यात्रा जारी रही, लेकिन गठबंधन को केंद्र की सत्ता पाने में 10 साल लग गए। लेकिन इस बार मोदी की विशाल उपस्थिति में भाजपा 2014 में अकेले 282 सीटें जीतने के बाद भाजपा अब एनडीए की निर्विवाद नेता थी। उसे सहयोगी दलों को खोने का डर नहीं था। और जो पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उन दलों के नाम जिनके साथ बीजेपी ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जब गठबंधन की सेना सजाई थी तो उसमें 29 दल थे। पूरे 29 किसी को कोई शंका ना हो तो गिनती कर लीजिए। उसके बाद 2019 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने प्रभुत्व को और बढ़ाया और 303 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। इस तरह भाजपा ने सहयोगी दलों की आवश्यकता की ओर कम कर दिया। मोदी के कार्यकाल में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में खुद को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के लिए भाजपा ने आक्रमण रवैया अपनाया और नतीजा ये हुआ कि इससे TDP, शिवसेना और JDU जैसे पुराने NDA सहयोगी गठबंधन से बाहर हो गए। हालांकि शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट बाद में NDA में लौट आया। अकाली दल जो 1996 से NDA के साथ था उसने 2021 में विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध करते हुए गठबंधन छोड़ दिया। लेकिन गठबंधन तो गठबंधन है और प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन का महत्व जानते हैं। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि एनडीए के अलावा कोई भी गठबंधन 1/4 सदी के बरकरार नहीं है। और सच तो ये है कि दोस्तों भारत के ज्यादातर क्षेत्रीय दलों ने अलग अलग समय में बीजेपी की पालकी उठाई है या उसके साथ कदम ताल किया है। ममता, नीतीश, पासवान, जयललिता, महबूबा, नवीन, चंद्रबाबू, चौटाला, अब्दुल्ला, मायावती, वाइको, रामदास, शरद जैसे कितने ही छोटे बड़े नेताओं ने एक या दूसरे समय में बीजेपी के साथ चलने का रास्ता चुना था। इनमें से ज्यादातर अब बीजेपी विरोधी खेमे में हैं। शिवसेना और अकाली दल ही बीजेपी के टिकाऊ दोस्त रह गए हैं। आज वो भी नहीं है, बाकी दल कब किधर जाएंगे ये सिर्फ उन दलों के नेता ही जानते हैं। यह राजनीति के अवसरवाद को दर्शाता है। 2014 में 29 दल इस भरोसे के साथ बीजेपी के साथ आए थे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही थी। अगर उन्हें दोबारा ऐसा लगेगा तभी बीजेपी 2024 के लिए ऐसा बड़ा गठबंधन बना पाएगी, नहीं तो यूपीए या पीडीए बनना तय है और वो भी पहले से ज्यादा ताकतवर। ताजा विधानसभा चुनाव ने बीजेपी के मुंह का जायका बुरी तरह से बिगाड़ दिया। लेकिन गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। किसी भी चुनाव से पहले राजनीतिक शक्तियां अपनी पोजीशन बदलती है, इसलिए अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दल अपनी पोजीशन बदल रहे हैं या नई पोजीशन ले रहे हैं तो इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। बिहार के पटना में कांग्रेस सहित देश भर के क्षेत्रीय दलों का बीजेपी और पीएम के विरोध में जुटना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस पटना मीटिंग में जो दल आए उनकी अपने राज्यों में मजबूत पकड़ है। इन पार्टियों में बंगाल की TMC, बिहार की RJD और JDU, दिल्ली और पंजाब में आप, महाराष्ट्र में NCP और शिवसेना UBT, तमिलनाडु में DMK, झारखंड में JMM और UP की सपा शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में राजनीति के दो ही ध्रुव नजर आ रहे हैं, जिसके आसपास बड़ी राजनीतिक गोलबंदियां बनती दिख रही है। पहला ध्रुव बीजेपी और दूसरा ध्रुव कांग्रेस है। एक तीसरा ढीला ढाला गठबंधन और भी बन सकता है, जिसे तीसरा मोर्चा या संयुक्त मोर्चा या राष्ट्रीय मोर्चा जैसा कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वह बनेगा ही नहीं यह कोई नहीं कह सकता।
और रही बात शेर की, तो घात लगाने इस जानवर से अगर आपका सामना हो जाए तो डरे नहीं। यह जानवर ना सामने से हमला करेगा ना टिक पाएगा। इसकी छवि और नाम का डर ज्यादा है और आप भारत के संतान हैं। भारत यानी उस भरत की जमीन जो खेल खेल में शेरों का मुंह फाड़ कर उनके दांत गिनता था, तो आप भी गिनेंगे दांत एक दिन, मुंह खोल कर नहीं इत्मीनान से घर लाकर। और शेर को भी यह पता है, बस इसलिए शेर चौराहे पर आजकल बुलाने से भी नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।